दोस्तों, ओम यानी ओंकार, इस शब्द में पूरा यूनिवर्स छिपा है। इसी ओम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता समाए हैं। शास्त्रों और पुराणों में हर मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। हिंदू धर्म में ओम को बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि ओम शब्द पहली बार भगवान शिव के मुख से ही निकला था, इसलिए भगवान शिव का एक नाम ओंकार भी है। ओंकारेश्वर में भगवान शिव खुद ओंकार के रूप में विराजमान है। जिस पर्वत पर भगवान शिव का मंदिर है, वो पूरा पर्वत ही ओम के शेप में बना हुआ है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओम के शेप में बने इस पर्वत पर 100 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं, जहां हिंदू कम्युनिटी से जुड़े सभी देवताओं के मंदिर हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ओंकार पर्वत पर भगवान श्री राम के पूर्वज राजा मंधाता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा मांधाता ने भगवान शिव से मोक्ष की कामना की और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि वो हमेशा के लिए उसी ओंकार पर्वत पर बस जाए। राजा मांधाता को आशीर्वाद देते हुए भगवान शिव इसी ओंकार पर्वत पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि ये कोई हाथों से बनाया गया शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये खुद अवतरित हुई ज्योतिर्लिंग है, जो कि जमीन से निकली हुई है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ हमेशा पानी भरा रहता है। कहते हैं कि मां नर्मदा भगवान शिव का 24 घंटे अभिषेक करती है। ओंकारेश्वर आने वाला हर शिव भक्त अपने भगवान की पूजा विधि विधान और सच्चे मन से करता है। यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करने से आपकी मांगी हर मन्नत पूरी हो जाती है। कहते हैं इस तीर्थ की रचना भगवान ने खुद अपने हाथों से की थी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और इन दोनों ही ज्योतिर्लिंगों को एक ही माना जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी उतना ही महत्व है जितना ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का है। इसलिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद भगवान ममलेश्वर के दर्शन किए बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बना है, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ नर्मदा नदी बहती है तो दूसरी तरफ कावेरी नदी। जहाँ पर पर्वत खत्म होता है, उस जगह पर दोनों नदियों का मिलन होता है, जिसे कावेरी नर्मदा संगम कहा जाता है। ये संगम भक्ति और भावना का संगम है। कहते हैं सच्चे मन से संगम में डुबकी लगाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जब आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो उसका फल आपको सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन ओंकारेश्वर में पहुंचे हर भक्त को यहाँ पर 3 गुना फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान ओंकारेश्वर, भगवान ममलेश्वर और मां नर्मदा नदी विराजित है। मां नर्मदा को कलियुग की गंगा भी कहा जाता है। मां नर्मदा अपने भक्तों की हर मन्नत को सुनती है। जिसकी भी मन्नत पूरी हो जाती है, वो नर्मदा नदी में चुनरी चढ़ाता है। भोले भंडारी बड़े ही दयालु हैं। वो अपने यहाँ आए हर भक्त की झोली भरते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये मंदिर 5 फ्लोर में बना हुआ है। सबसे नीचे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहाँ गर्भगृह में भगवान शिव का हजारों साल पुराना शिवलिंग स्थापित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जल रही अखंड ज्योति सालों से जल रही है। ये मंदिर हजारों साल पुराना है, जो कि कई पिलर पर टिका हुआ है। पूरे साल ओंकारेश्वर मंदिर में हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर की पहली मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दूसरे फ्लोर पर भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है, और ये बात अपने आप में अनोखी है। थर्ड फ्लोर पर भगवान शिव सिद्धनाथ के रूप में बैठे हैं, तो वहीं फोर्थ फ्लोर पर गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। पांचवें और आखिरी फ्लोर पर ध्वजेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। इसी के ऊपर भगवान ओंकारेश्वर की ध्वजा भी लहराती है। मंदिर में सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार आरती की जाती है। जिस तरह से उज्जैन में भस्म आरती का बहुत ज्यादा महत्व है, उसी तरह से ओंकारेश्वर में शाम को होने वाली शयन आरती का बहुत महत्व है। शाम को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का
विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती के खेलने के लिए चौसर बिछाई जाती है। मंदिर में काम करने वाले पंडितों का कहना है कि वो लोग जब सुबह मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो चौसर पूरी तरह से बिखरी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती रात में यहाँ पर चौसर खेलने आते हैं और ऐसा सदियों से होता आ रहा है। रात के समय मंदिर के अंदर रुकने की परमिशन किसी को नहीं होती है। शयन आरती के बाद दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। शिवरात्रि, सोमवती अमावस्या, नर्मदा जयंती और गंगा दशहरा जैसे मौकों पर ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। श्रद्धा से भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी देने पहुंचते हैं। ओमकारेश्वर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।